इसमें मतलब बहुत डरावना आवाज आता है, बहुत ही डरावना मतलब जगह, कोई इधर रात को आता नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग बहुत घने जंगल में आ गए हैं। तो हम जगह प्लेस देख सकते हैं, बहुत ही मस्त प्लेस है। देखिए इस साइड नदी है। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है राहुल और आप लोगों का स्वागत है माय चैनल एमडी राहुल ब्लॉग पर। आज चले आए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेरा साथ मेरा जो भाई है, एक हिसाब से दोस्त भी कह सकते हैं रोहित, उसका भी यूट्यूब चैनल है। तो मैं और वो डिसाइड किए हैं कि आज जाएंगे थोड़ा ब्लॉग करना है। ये हम लोग का लोकल एरिया है, यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लोकेशन है। इधर पीछे साइड में नदी भी है, सब कुछ। पूरा वीडियो देखना बिना स्किप किए, पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला है। अभी हम जाएंगे सीधा, तो चलो वीडियो गोटा वीडियो देख लेना। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं, हम मेरा जो हायाबुसा है उसको लेके आए हैं। तो आप लोग भाई किस एंगल से ये हायाबुसा लग रहा है भाई तेरे को? गाइस आप लोग का शायद ये हीरो एक्सट्रीम दिख रहा होगा, लेकिन मेरे लिए हायाबुसा से भी बढ़कर है। तो इसको आज ये है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, तो आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर पूरा घूमने वाले हैं। साइड में इधर नदी भी है और इधर के एरिया भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। मतलब बहुत ही एडवेंचर टाइप का जगह प्लेस है। तो हम लोग छोटे में यहीं पर मतलब खेलने आते थे, तो काफी दिन हो गया यहाँ आए नहीं है। तो मेरा भाई जो रोहित है उसको मैंने बोला कि चलो भाई हम लोग आज घूम के आते हैं। ऐसे ही कुछ प्लानिंग नहीं था, अचानक से मतलब आज प्लान हुआ कि आज थोड़ा निकलेंगे घूमने आएंगे। तो ये थोड़ा हम लोग के घर से 1 किलोमीटर का समथिंग 1 किलोमीटर होगा, तो 1 किलोमीटर दूरी पे ये जगह है। तो ये बहुत ही मस्त जगह है, आप लोग ब्लॉक पे बने रहिए। तो आप लोग को बहुत अभी जा रहे हैं नदी के तरफ, तो आप लोग को दिखाएंगे नदी। तो आप लोग देखना, यहाँ पर एक तरह से बोल सकते मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। मतलब कभी नहाना हो दोस्त लोग के साथ तो यहाँ पर आके मैं नहाता था, ठीक है, छोटे में आता था। अभी चलो अभी बात दूसरा कोई कुछ और हो गया, तो अभी आना जाना नहीं होता। तो गाइस देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। तो इस तरह देख सकते ये नदी है और ये जो मेरा पीछे पूरा बांस जा रहे ऊपर में, आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइस एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, दोस्त लोग के साथ यहाँ पर मैं आता भी था और यहाँ नहाता भी था। आज पूरा आप लोगों के साथ शेयर में करने वाला इस जगह का लोकेशन और इसका साथ मेरा जो यादें जुड़ा हुआ है, तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. मेरा पीछे देख सकते हैं एक छोटा सा घर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये बहुत पुराना घर है। तो यहाँ का जो लोकल जो इंसान यहाँ पर रहता है, तो वो लोग के मुंह से सुना हुआ है, अभी आ रहे थे तो उन लोग से देखा हुआ, दो चार बंदा हुआ बैठा हुआ था नदी के किनारे। तो वो लोग बोल रहे हैं ये जो घर है पीछे आप लोग देख सकते हैं, इसमें मतलब बहुत डरावना आवाज आता है, बहुत ही डरावना मतलब जगह, कोई इधर रात को आता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग आज सुबह में बाइक लेके मैं रोहित यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए। रात को तो आ नहीं सकते, उसीलिए दिन को आया। तो वीडियो में बने रहिए, और भी आप लोगों को प्लेसेस बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेसेस आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग बहुत घने जंगल में आ गए हैं। तो मुझे तो लग रहा है अफ्रीका का जंगल या उससे भी बड़ा अमेजन जंगल।
देख सकते हैं आप लोग कितना जंगल है यहाँ से, क्या कब निकल जाए कुछ मालूम नहीं है। अगर किंग कोबरा निकल गया तो मैं तो साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले का, छलांग मैं तो जंगल में छलांग लगा दूंगा। तो गाइस देख सकते कितना बड़ा जंगल है, जंगल के बीच से जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं किंग कोबरा ना निकल जाए, मैं तो झाड़िया में उसको परी कूद जाऊंगा। तो गाइस यहाँ एक बंदा आया हुआ है, देख सकते हैं मछली पकड़ने के लिए, जो क्या बोलता है इसको, जाली वगैरह, इसको नाम नहीं मालूम है मुझे। तो ये लेके आया वो मछली वछली पकड़ने के लिए। तो मुझे तो लगता मछली नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ किंग कोबरा या रसल वाइपर यह मिल जाएगा, क्योंकि जो जंगल है मुझे देख के ही डर लग रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो अटलांटिक महासागर जहाँ टाइटेनिक डूबा था वो मेरा साइड में ही है। तो ज्यादा कैमरा उधर करो तो आप देख सकते हैं ये अटलांटिक महासागर जहाँ पर टाइटेनिक डूबा था, तो वहीं पर हम लोग अभी आए हैं। जंगल के किनारे अफ्रीका का जंगल है और वो अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका कहाँ है, अटलांटिक महासागर कहाँ पे है यार, कुछ तो शर्म करो। आप लोग देख सकते हैं कितना भारी जंगल है, देखिए मेरा हाइट का बराबर सब क्या निकल जाए कुछ मालूम नहीं है। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले तो ये बता, वीडियो करने के लिए किसने तुमको बोला? मेरे मन ने बोला मुझे वीडियो करने के लिए और आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग इस जगह पे नहीं आ पाइएगा, क्योंकि इसके यहाँ पर आने के लिए बहुत ही साहस का जरूरत है। ये सब वीडियो करने के लिए बियर ग्रिल्स को पैसा दिया जाता है, लेकिन तुम्हें क्या दिया जाता है? जंगल में, अफ्रीका का जंगल में आने के लिए बहुत ही हिम्मत और साहस का जरूरत है। जो आप लोग नहीं आ पाइएगा या देख पाएंगे यहाँ पे, उसी लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर आकर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ का प्लेस देख सकते हैं, बहुत ही मस्त प्लेस है। देखिए इस साइड नदी है, ये जो है इसको मतलब पुल के ऊपर हम लोग भी खड़े हैं, तो इस साइड भी मतलब पुल इधर से गुजर के इधर गया पानी, बहता हुआ पानी, और इधर से ऐसा ही होता है, इस साइड से पानी आता है उस साइड से जाता है, ये बोलने का बात नहीं है। मुझे मालूम है कि पुल ऐसे ही होता है, लेकिन काफी सारे बंदों को मालूम नहीं, सोचता सोचा होगा कि इधर से भी पानी इधर से भी पानी, तो कहाँ खड़ा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। छाती बंदे को कैसे बात करना हो नहीं आता, ठीक है थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तुम सब भी एडजस्ट कर लो। गाइस मेरा पीछे रोहित देख सकते हो, वो अभी इंस्टाग्राम में रील्स बना रहा है, तो उसका डायलॉग जो रील्स का वो याद कर रहा है कि आमी तुम्हार पे में पोड़े गए छी, तुम ही अमर पे में कभी पोड़ बे, बंगला में एक रील्स बना रहा है। काफी टाइम हो चुका है, तो अभी निकलने वाले हैं घर। तो वीडियो को कैसा लगा एक लाइक करना, और कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा जरूर से जरूर कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह एक मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।